लेकिन चिराग पासवान ने जो बंद कमरे में सारे मौलानाओं से हमारे हजरत से हर जगह जो आलमदीन वहाँ पे आए थे उन्होंने यही कहा था कि मैं चाहूंगा कि जो वक्त का जो नियम आया है जो कानून पर सरकार ने बनाया मैं चाहूंगा वो कानून एज इट इज रहे। जब तीस जब इससे पहले जब मीटिंग थी तीस के इसके बाद तीस को मीटिंग है मैंने बात की थी इस सिलसिले में तो कहीं ना कहीं वक्त की मीटिंग जो हुई है और उस मीटिंग को लेकर के सारे नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में वक्फ कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद रहे। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। अगर जेडीयू की तरफ से बात करें तो जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर जो हैं इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की अगर बात करें तो उनकी पार्टी की तरफ से इमाम गजाली जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। इमाम गजाली पार्टी के शेखपुरा ज़िला के अध्यक्ष हैं और ख़ास बात यह कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी इस कॉन्फ्रेंस में जो हैं वो नज़र आए। तमाम नेता जो आपको जो इस वक्त डाइस पर नज़र आ रहे हैं तमाम नेता तमाम मौलानाओं ने अपनी अपनी बात जो है इस बिल को लेकर जो है वो रखी है बताया है। और सबसे अहम और सबसे ख़ास बात ये कि जो है अगर कहें कि बिहार में जो भी मुस्लिम नेता हों चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से हों वक्फ संशोधन बिल का जो है वो विरोध बीजेपी को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ वो विरोध जो है वो कर रहे हैं। बीते हफ्ते जो है वो सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुँचे थे बिहार सिया बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास, बिहार स्टेट सुन्नी बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्ला साहब, बिहार के माइनॉरिटी मिनिस्टर जमा खान समेत इदारे सरिया इमारतें सरिया खानका मुजिबिया खानका मुनिमिया से जुड़े हुए लोग जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और इस बिल को लेकर जो है अपनी तरफ से बात कहते हैं सीएम नीतीश कुमार के समकक्ष। तो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी भरोसा दिया जाता है कि वो हमेशा मुस्लिम के हितों का ख्याल रखते आए हैं। बिहार में 9000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी उन्होंने करवाई तो ऐसे में इस बिल को लेकर उचित बातें जो है आगे जो है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में भी जो है वो की जाएगी उनकी पार्टी के तरफ से। बहरहाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा या कहें कि कई जो है उर्दू पत्रकारों ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत किया। इमारत सरिया से भी जुड़े हुए लोग थे, इदारे सरिया से भी जुड़े हुए लोग थे और तमाम लोगों की तरफ से जो है अपनी बातें वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर रखी गई है। आगे आप वीडियो में देखिए लोजपा रामविलास की तरफ से इमाम गजाली इस बिल को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने जो बंद कमरे में सारे मौलानाओं से हमारे हजरत से हर जगह जो आलमदीन वहाँ पे आए थे उन्होंने यही कहा था कि मैं चाहूंगा कि जो वक्त का जो नियम आया है जो कानून पर सरकार ने बनाया मैं चाहूंगा वो कानून एज इट इज रहे वो न बदले। इसलिए कि हमारे जो हमारे एमपी है जमुई के अरुण भारती जी उसमें मेंबर है और इस पे काफी हम लोगों ने मुशक्कत किया और मुझे उम्मीद है मैं देख रहा हूँ जो उनकी फिक्र है और बहुत जगह मैंने देखा इस चीज को। इसलिए कि कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से जो बात रखी गई है पार्लियामेंट में शायद और सी बात नहीं रखी गई लेकिन इस वक्त को लेकर जो बात रखी गई है वो बहुत मजबूती से बात रखी गई और काफी हद तक मैं देख रहा हूँ कि अभी भी जब तीस जब इससे पहले जब मीटिंग थी तीस के इसके बाद तीस को मीटिंग है मैंने बात की थी इस सिलसिले में तो कहीं ना कहीं वक्फ की मीटिंग जो हुई है और उस मीटिंग को लेकर के सारे रहनुमा और सारे लोगों ने इस पर मौकूफ जाहिर किया है और अरुण भा मैं बता दूं आपको चिराग पासवान ने यही कहा कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं मैं चाहूंगा कि ये बिल नहीं पास हो सके ये मेरी पहली कोशिश होगी ये बिल पास ना हो सके और ये बिल के लिए मैं जरूर मुखालफत करूंगा। जैसे वक्त की बिल रखा है चीज हमारा है वक्त या वे गरीबों की संपत्ति है गरीबों की चीज है पार्टी कोई भी हो हर इंसान हर लोग हर जगह पे सब जमा होते हैं मुसलमान कोई ना देखे हम जिस पार्टी कोई हो तक
मसला कोई हो, लेकिन जब मुसलमान पे औंगली उठाने का काम ये हुकूमत करेगी तो वहां पे पार्टी को भूल के सब एक प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह आई है। इसमें बरकत है, इसमें भलाई है। और कहीं ना कहीं मैं इमाम गजाली में जरूर वादा करता हूँ, आपका आप लोग की दुआ चाहिए, आप लोगों का ताकत चाहिए हमारे साथ, और मैं हर जगह मजबूती के साथ अपनी बात रखता हूँ। मैं जरूर चिराग पासवान के साथ हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी बात रखी है, जब तक अपनी बात बोली है और कहीं ना कहीं उस पर उन्होंने एक्शन लिया है। और बता, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने अपने घर पे बुलाया सारे उलामा कराम को, उन्होंने कहा कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कॉमनल फिदा हो मुल्क के अंदर। कॉमनल इसलिए कि अभी इससे पहले कारी शेख साहब ने बात कही थी और उसमें सुना था सारी बातों को बाहर, लेकिन हर लोग अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मुसलमान हैं, पहले मुसलमान उसके बाद कोई और। जब मुसलमान के कानून को बदला जाएगा, जब मुसलमान के कानून पे औंगली उठाई जाएगी तो पार्टी एक तरफ, मुसलमान एक तरफ। मैं आप लोग के साथ हूँ इंशाअल्लाह। आपकी ताकत चाहिए, आपका दुआ चाहिए, और खासकर मैं अपने सांसद अरुण भारती जी का तारीफ करता हूँ जो बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात रखा है इस बार के वक्फ बोर्ड में। जो नियम बदला रहा है वो नियम नहीं बदला जाए। मैं इमाम गजाली, लोक जनशक्ति पार्टी का मिलाप इस बिल के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया गजाली साहब। पार्लियामेंट में, ऐवान में मजलूमों की, गरीबों की आवाज, पूर्णिया के हमारे बहुत ही लायक फायक रुकन पार्लियामेंट जनाब पप्पू यादव जी हमारे दरमियान तशरीफ ले आए हैं। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल उनका पुरजोर इस्तकबाल करती है, उनका शुक्रिया अदा करती है। इस बिल पर पप्पू जी ने जो पार्लियामेंट में बहस की वो भी देखने के लायक थी।